हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आप किस तरीके से एक कॉमिक स्टोरी डेवलप कर सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। इसके लिए जो टूल हम यूज़ करने वाले हैं वो है स्टोरी राइटिंग के लिए। अब आपको स्टोरी लिखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको प्लॉट बताने की ज़रूरत है कि आपका प्लॉट क्या है, छोटा सा आप क्या मतलब आप कहना चाह रहे हो वो आप बताएंगे चैट जीपीटी को। चैट जीपीटी आपके लिए स्टोरी लिख के खुद ही आपको दे देगा। चैट जीपीटी कैसे काम करता है इसके ऊपर मैंने एक पहले वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको चैट जीपीटी में अकाउंट कैसे बनाना है और प्रॉम्प्ट में आपको क्या कमांड दे रहा है और क्या आउटपुट आएगा। इस वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या लिखना है, किस तरीके से स्टोरी बन के आएगी। स्टोरी हमारे पास जब बन के आ गई तो उसके लिए हमें कॉमिक बनाने के लिए या फिर उस कॉमिक को एक वीडियो को फॉर्म देने के लिए हमें कुछ इमेजेस की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो इमेजेस भी आपकी क्रिएट करता है। उसके लिए आप जो टूल यूज़ करेंगे वो है मिड जर्नी। मिड जर्नी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल है और चैट जीपीटी भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल है। दोनों के दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके एक स्टोरी लिख के देता है। चैट जीपीटी से आपके पास स्टोरी आ गई, मिड जर्नी से आप इमेजेस क्रिएट करेंगे। मिड जर्नी के लिए भी आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चैट जीपीटी से स्टोरी लिखते हैं और उसके बाद फिर हम मिड जर्नी से इमेजेस क्रिएट करेंगे और उसके बाद फिर हम फाइनली इसको एक रूप देंगे, एक वीडियो का, एक कॉमिक का, और सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। और ये सारा काम फ्री में होने वाला है। लास्ट में आप देखना चाहें तो अभी जाके देख सकते हैं आउटपुट क्या निकला है। लास्ट के फ्रेम्स में अगर आप जाते हैं तो आपको आउटपुट देखेगा कि क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो कि आप फ्री में क्रिएट कर सकते हैं। तो आप चाहें तो एकदम से लास्ट में जाके देख सकते हैं और फिर आप वापस आके आप भी देख सकते हैं कि ये काम मैंने कैसे किया। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो में। तो चलते हैं चैट जीपीटी में और यह चैट जीपीटी का एड्रेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमने एक प्लॉट बनाया हुआ है जो कि हम इसको देने वाले हैं कि राइट अ स्टोरी ऑन अ मेल कैरेक्टर नेम दीपक हु ओन्स अ यूट्यूब चैनल टेक्निकल फ्लाइट, मतलब मैं ही हूँ। तो उसके लिए हमने इसको बता दिया है कि मेन कैरेक्टर कौन है। दीपक है, इंडियन है, मेल, इन हिज 30s, अ यूट्यूबर है। और स्टोरी के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। दीपक इज अ क्रिएटर हु मेक्स videos for YouTube on latest and useful technical informations. His channel was not growing and he was sad. दुखी था वो क्योंकि उसका चैनल नहीं चल रहा था, मतलब कोई भी स्टोरी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। सो ही क्रिएटेड हाउ टू मेक कॉमिक स्टोरीज यूजिंग चैट जी पी टी एंड मिड जर्नी। तो फिर उसने एक अपलोड करी वीडियो जिसमें उसने बताया कि भाई चैट जी पी टी और मिड जर्नी का यूज़ करके आप कैसे एक स्टोरी को बना सकते हैं, ये लिख सकते हैं। और वो वीडियो उसकी चल गई। दिस वीडियो वॉज अ ग्रेट सक्सेस एंड हिज चैनल ग्रू अप एंड देन आफ्टर ही वॉज हैप्पी। इस टाइप से हम कुछ इससे एक छोटा सा आइडिया देते हैं कि हमें क्या करवाना है। तो चलिए इसे कॉपी करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और ये जो कॉलम है यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं और एंटर मारते हैं। ठीक है, तो ओके, सो अब देखिए इसने स्टोरी बनाना स्टार्ट कर दिया है। दीपक हैड ऑलवेज बीन अ पैशनेट अबाउट टेक्नोलॉजी फ्रॉम यंग एज। ही हैड बीन फैसिनेटिंग बाई गैजेट्स एंड मशीन। एज ही ग्रो ओल्डर ही बिकेम मोर एंड मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट द लेटेस्ट ग्रेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। आप कोई भी कॉन्टेंट के बारे में इसे बस थोड़ा सा ब्रीफ दे दीजिए। देखिए कितनी बढ़िया इसने स्टोरी लाइनअप यहाँ पे आपको बना के दे दी है। ठीक है, तो चलिए इस स्टोरी को हम यहाँ से करते हैं कॉपी। हम इसको अपने यहाँ पे जो भी हमने स्टोरी लाइनअप दिया था इसको उसके नीचे आप पेस्ट कर देते हैं। ये तो हो गया चैट जीपीटी का काम। बस चैट जीपीटी का काम इतना था, आपको स्टोरी बना के दे देगा। अब आपको इसको करना है कन्वर्ट करना है इमेजेस में। वो करने के लिए आपको अब जाना है मिड जर्नी में। मिड जर्नी क्या है? मिड जर्नी का जो वेब एड्रेस है वो ये है। आप इस एड्रेस पर जाएँ, मैं दोनों के लिंक आपको दे दूंगा वैसे डिस्क्रिप्शन में भी। तो मिड जर्नी में जाने के बाद आपको अपना अकाउंट बनाना है। यहाँ पे हम लोग लॉगिन कर चुके हैं अभी, हमारा जो है क्रिएट योर फर्स्ट डिस्कॉर्ड। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं कि अपना डिस्कॉर्ड सर्वर भी बना सकते हैं, तो क्रिएट माय ओन। तो चलो हम लोग एक सर्वर बना लेते हैं फॉर क्लब और कम्युनिटी, फॉर मी एंड माई फ्रेंड्स, फॉर मी एंड माई फ्रेंड्स के लिए डीवीटेक्स सर्वर। चलो अपने आप ही इसे नाम उठा लिया है, तो डीवीटेक्स सर्वर हम लोगों ने ये ले लिया है। सर्वर बनाना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब भी आप इसमें कुछ कोई इमेज क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे आप इसको पर्सनली देख पाएंगे। चेक इट आउट इंटरेस्टिंग इफेक्ट दिस नॉट नाउ जो भी है वट एवर, हमने इसको टॉपिक कार्टून स्टोरी, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सर्वर यहाँ पे बन के आ गया है, डी बी टेक्स सर्वर। ओके, अब हमें इसमें एक डिस्कॉर्ड का सर्वर ऐड करना है जो कि एक तरह का बॉट है जो कि हमारा इमेज जनरेशन में काम आएगा। तो हमने सर्वर जब बना लिया तो उसके बाद हमें अपना सर्वर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, डी बी टेक सर्वर। इसके बाद हमें इसमें जो एक चीज़ ऐड करनी है वो है ये मिड जर्नी का बॉट। इसके लिए बाय द वे, जैसे अगर आप इस डीबी टेक सर्वर में जब आप बना लेते हैं तो आप यहाँ पे पहुँच जाते हैं, आपको वापस से जाना है मिड जर्नी वाले इस बोट वाले आइकन पे, शिप वाले आइकन पे, और यहाँ से आपको ये मिड जर्नी बॉट इसको जो है अपने ऐड करना है अपने सर्वर में। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं इसको मिड जर्नी बॉट को, ऐड टू सर्वर ये पूछता है, यहाँ पर इसे क्लिक करना है
और यहाँ पे आपको अपना सर्वर आपको सेलेक्ट कर लेना है, डीबीज टेक सर्वर में कंटिन्यू कर लेना है, ठीक है। तो कंफर्म दैट योर इमेज इज बॉट फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दिस एंड दैट, सब कंटिन्यू करके ऑथराइज कर दें इसको, और आई एम अ ह्यूमन वो सब के सब वैलिडेशन अब आपको दिखा देनी है कि हाँ आप, तो ये हो चुका है ऑथराइज, तो बंद करते हैं इसको। हम चलते हैं अपने सर्वर के पास वापस। ओके यहाँ पे देख लीजिए मिड जर्नी बॉट इज हियर, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आ गया है। अब मिड जर्नी बॉट क्या करेगा, आपकी जो भी इमेजेस हैं वो आपको बना के देगा। ये अब आपका एक प्राइवेट विंडो बन गई है, जो भी इमेजेस आप यहाँ पे बनाएंगे वो सिर्फ आप ही देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कोई इमेज बनाते हैं, यहाँ पे भी आप इमेज बना सकते हैं, बट दैट इमेज इज बिट पब्लिक। यहाँ पे जाएंगे जब आप, तो ये आप काफ़ी सारे न्यूज़ रूम्स हैं आपके पास, न्यूज़ भी 50 है। फॉर इंस्टेंस आप यहाँ पे जाते हैं और आपको कोई एक इमेज यहाँ पे बनानी है, तो ये जो इमेज होती है देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ऊपर वाली इमेज भी आपको दिख रही है, फिर उससे ऊपर भी दिख रही है। तो ये बेसिकली क्या है कि एक पब्लिक रूम है, सबकी आप इमेज देख सकते हैं। लेकिन मैं बता देता हूँ कि कैसे इमेज जनरेट करनी है, क्योंकि इमेज तो आपको एक ही तरीके से दोनों जगह पर जनरेट करनी है। आपको लिखना है /, यहाँ पर लिखना है इमेजिन, ओके। और एक उसके बाद ये प्रॉम्प्ट आ जाएगा, प्रॉम्प्ट मतलब आपको क्या चाहते हो, आप कैसी इमेज बनाना चाहते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी इमेज जो आप अपने इमेजिन कर सको, तो चलिए इमेजिन करते हैं कि एक कछुआ जो कि घोड़ा चला रहा है, तो टॉटस TORTOS टॉटस राइडिंग हॉर्स, कहाँ चला रहा है ये भी थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, ये बैकग्राउंड जिसके ऊपर हॉर्स, ठीक है। और बैकग्राउंड इसमें ऐड कर देते हैं, बैकग्राउंड इस कहाँ चलाएं, स्काई में चलवा देते हैं, स्काई ओके, बैकग्राउंड इज स्काई, क्योंकि भाई आसमान में चला रहा है। तो हम ये देते हैं प्रॉम्प्ट, यहाँ पे एंटर मारते हैं। अब मिड जर्नी के पास हमारा ये प्रॉम्प्ट चला गया है, क्या बोला, नॉट, अच्छा इसने बोला कि एक्सेप्ट नहीं करी है, तो एक्सेप्ट हम कर लेते हैं टर्म्स एंड कंडीशन। तो यहाँ पे हमने टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर ली है। आई सपोज मुझे दोबारा कमांड देनी पड़ेगी, क्योंकि उस समय पे मैंने टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट नहीं करी है, भाई यहाँ पे मैंने एक्सेप्ट कर ली है। चलिए दोबारा से एक बार हम कमांड देते हैं, अपनी सेम कमांड दे देते हैं, तो /, इमेजिन ओके ये आ गया, और टॉटिस राइडिंग वाइट हॉर्स भी कर देते हैं साथ साथ में, इन स्काई होल्डिंग सोड, ऐसा वो सोड, ठीक है ओके। ये हमने दे दिया है इसको एक क्वेरी कि टॉटस राइडिंग वाइट हॉर्स इन स्काई होल्डिंग सोड, एक कछुआ है जिसने की जो कि घोड़े पे सवारी कर रहा है, उसके हाथ में एक तलवार है, और जो बैकग्राउंड है वो है स्काई का। एंटर मारते हैं और ओके, तो यहाँ पे जो है इसने हमारी कमांड अब ले ली है, वेटिंग टू स्टार्ट लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, थोड़ी देर में हमको इमेज बना के देगा। अब हम देखते हैं कि ये इमेज हमको किस टाइप से बना के देता है। ओके तो यहाँ पे जी हमारा आ गया है रिस्पॉन्स, थोड़ी देर लगता है। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है टॉटेस तो नहीं आया जी भाई, टॉटेस इज नॉट देयर, ओके यहाँ पे टॉटेस दिख रहा है, ये टॉटेस इसने कुछ अपने तरीके से बनाया है। ओपन ओरिजिनल करते हैं, ये चला गया यहाँ पे, टॉटेस कुछ कुछ बनाया तो है भाई इसने टॉटेस, ये देखिए इस इमेज को देखिए आप, तो टॉटेस इसने बनाया है ओके, ये भी टॉटेस बना रखा है इसने, और वाइट हॉर्स हॉर्स की जगह थोड़ा सा और इन द स्काई। तो काफ़ी हद तक आपको इमेजेज इस टाइप की मिलने वाली है। तो चलो ये तो मेरा सिर्फ एक डेमो था, मुझे दिखाना था कि ये किस तरीके से काम करता है। अब हम अपने स्टोरी लाइनअप के ऊपर काम करते हैं और चलते हैं अपने सर्वर के ऊपर जो कि है हमारा यहाँ पे। देखिए वही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि यहाँ पे जो भी इमेजेस होंगी, अभी आपकी इमेजेस हमारी जो ये वाली इमेजेस है, टॉटस राइडिंग वाइट हॉर्स इन स्काई होल्डिंग सॉर्ड भी उसने पकड़ी हुई है, ठीक है बढ़िया बनी बनाई है, लेकिन हमारी जो ये वाली इमेज है जो कि हमने इमेजिन करी है वो सब देख सकते हैं। तो ये आप तब करते हैं जब आप अपने न्यूबी एक किसी भी रूम में चले जाएँ जो कि एक पब्लिक रूम है, लेकिन हमने अपना सर्वर बनाया है और यहाँ पे सर्वर में हमने मिड जर्नी बोर्ड को भी ऐड कर लिया है, ठीक है। और जो भी हमने स्टोरी लिखी थी यहाँ पे, उसका हम पहला जो पैराग्राफ है वो उठाते हैं और यहाँ पे डालते हैं इमेजिन प्रॉम्प्ट, इमेजिन, ठीक है इमेजिन हमने प्रॉम्प्ट डाला, यहाँ पे हम पूरा पूरा पेस्ट करते हैं। तो लेकिन एक्चुअली क्या है, यहाँ पे दीपक को समझेगा नहीं, तो यहाँ पे हम कह देते हैं बॉय हैड ऑलवेज बीन पैशनेट अबाउट, क्योंकि हमें बेसिकली क्या है कि इस वाले पैराग्राफ में उसकी यंग एज के बारे में बात हुई है, तो दीपक की जगह हमने कर दिया अब बॉय, ठीक है। ही हैड पैशनेट अबाउट टेक्नोलॉजी दिस एंड दैट, चलो इतना सब कुछ हम करके इसमें पास करते हैं कि हमको ये क्या देता है अब बॉय। इसमें हम इंडियन बॉय और कर देते हैं, क्योंकि ये इंडियन भी शायद ना, इसमें इंडियन भी होना बहुत ज़रूरी है, तो इंडियन बॉय, बाकी सब तो सेम है, बस हमें इसमें ये बताना था कि इंडियन बॉय ओके।
तो ये हम पास करते हैं। वैसे काफ़ी टफ है, मुझे लगता है पता नहीं क्या आने वाला है, मुझे खुद नहीं मालूम कि क्या आएगा बन के, पर चलो देखते हैं, हम भी देखते हैं कि क्या हमें रिस्पॉन्स मिलता है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको एक चार आउटपुट मिलेंगे, चार इमेजेस मिलेंगी, उसमें से जो आपको बेस्ट इमेज मिल लग रही है उसको आप लेके आगे बढ़ सकते हैं। वैसे मैंने इसमें काफ़ी सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे मिड जर्नी मुझे क्या आउटपुट देने वाला है, तो चलिए देखते हैं क्या मिलता है हमें आउटपुट। भाई आउटपुट तो बहुत ज़बरदस्त मिला हमको, बहुत ज़बरदस्त आउटपुट मिला, वाह। ओके तो यार ये थोड़ा सा पुराने ज़माने का हो गया, ये पता नहीं बच्चा जो है टीवी के ऊपर कुछ काम कर रहा है या फिर चलो जो भी है, बट ये दिखा रहा है कि हाँ भाई बच्चा जो है टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड था बचपन से और वो ऐसा कुछ करना चाह रहा था। ठीक है तो ठीक है, गुड गुड इनफ है। इसको हम क्या करते हैं कि इस पूरे को हम कॉपी कर लेते हैं, सेव इमेज कर लेते हैं और कहीं पर रख लेते हैं अपने डाउनलोड्स में, बाद में देखते हैं इसको हमें कैसे यूज़ करना है। ठीक है ये हो गया। ठीक है अभी बता रहा है ये V1 है, मतलब सॉरी ये 1 फोटो है, ये 2 फोटो है, ये 3 है, ये 4 है। तो ये तो अगर हम इसको करते हैं अपग्रेड 2 या फिर हम इसके वर्जन्स देते हैं वर्जन्स वर्जन 2, ये है, ये करता है इसको अपस्केलिंग, मतलब इस इमेज को कर देगा अपस्केल, और ये करता है इसको इसको इसके वर्जन्स आपको देगा। तो चलिए सेकेंड नंबर की इमेज को हम क्या करते हैं थोड़ा सा एनहांस करते हैं और इसका हम अपग्रेड वर्जन इससे मांगते हैं। तो U2 हमें मांगा है, आप देखेंगे क्या हमें आउटपुट मिलता है। थोड़ा सा जुडिशियसली आपको यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये आपको सिर्फ और सिर्फ 25 इमेजेस को ही प्रोड्यूस करने का फैसिलिटी देता है जब आप इसका फ्री सर्वर यूज़ कर रहे हैं या फिर फ्री अकाउंट यूज़ कर रहे हैं। टाइम ले रहा है आप स्केल करने में, टाइम ले रहा है तो इसका मतलब कुछ बढ़िया ही करके निकालेगा। ओके तो भाई ये जो है हमें मिल चुका है इसकी इमेज, इस इमेज को भी हम कॉपी कर लेते हैं। चलिए अच्छा आप देखिए यहाँ पे मेक वेरिएशंस का एक फीचर आपको दिखाई दे रहा है, इस मेक मेक वेरिएशंस के फीचर को हम दबाते हैं और देखिए आप आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो भी हमने प्रॉम्प्ट लिखा हुआ था वो प्रॉम्प्ट यहाँ पे आ चुका है। बच्चा जो है क्यूरियस है, क्यूरियस क्यूरियस, देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलता है इसके बाद जब हमने इसमें क्यूरियस वर्ड और ऐड किया। ओके तो भैया इसमें जो है हमें वेरिएशंस मिल गए हैं काफ़ी सारे, चलो ये भी कहीं ना कहीं हमारी स्टोरी में काम आएगा तो इसको भी हम सेव कर लेते हैं। अब दोबारा से आपको इमेजिन वाले प्रॉम्प्ट पे आना है, स्लैश इमेजिन लिखेंगे आप, आ गया। इस वाली फ़ोटो का लिंक दे दीजिए जो कि हमने यहाँ पे सेव किया हुआ है। ओके 90 तक, ओके ये अब हमने इसके बाद कॉमा लगा के हम दे देते हैं इसमें हमारी जो नेक्स्ट स्टोरी की जो पैराग्राफ है वो दे देते हैं। सो वेन से लेके यहाँ तक, ठीक है देखते हैं, आई एम नॉट श्योर कि इतने बड़े प्रॉम्प्ट का ये क्या बना के देगा, बट लेट्स डू इट। तो भाई वो काफ़ी बड़ा प्रॉम्प्ट लेके चला तो गया है, प्रोसेसिंग कर रहा है। वेन ही टर्न दिस, ओ वाओ नाउ दिस, उसने मुझे बना के दे दिया जो कि यूट्यूब चैनल के बारे में हमने लिखा था कि उसने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। तो ऐसे ही करके हम छोटे छोटे से इसमें प्रॉम्प्ट देते आए हैं अपने, जो भी लाइनअप हमें समझ में आ रही है उसको थोड़ा सा और मीनिंगफुल बनाने के लिए हमने उसे शॉर्ट किया, जैसे कि इंडियन मेल 30 ईयर्स स्टार्टिंग द यूट्यूब चैनल और गेटिंग द सक्सेस। तो जो भी आप जो मेन कीवर्ड्स हैं उनको आपको लेना है और उसके बाद आपको एक इमेज जनरेट करनी है। तो अभी मैं सारी की सारी इमेज आपको जनरेट करके यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा, जो जो मैंने प्रॉम्प्ट यूज़ करे और उनसे मुझे क्या आउटपुट मिला वो आप देख सकते हैं। तो चलिए इमेजेस हमारे पास बहुत सारी अब आ चुकी हैं, अब हम इन इमेजेस से एक वीडियो बनाते हैं। कोई भी अपना सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप सॉफ्टवेयर वीडियो बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और साथ में जो हमारे पास जो स्टोरी बन के आई थी ChatGPT से उसको भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसको हम रिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एडोबी का ये पॉडकास्ट वाला सॉफ्टवेयर यूज़ किया है, ऑनलाइन रहता है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, अभी तक फ्री है तो फ्री में मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको। तो इससे मैं अपनी जो वॉइस जो भी मैं रिकॉर्ड करूँगा उसको एनहेंस करके इस जो मेरा कॉमिक है इसमें ऐड करूँगा। तो चलिए अब आप देखने वाले हैं फाइनल आउटपुट ChatGPT और मिड जर्नी को यूज करके। दीपक हैड ऑलवेज बीन पैशनेट अबाउट टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ यंग एज, ही हैड बीन फैसिनेटेड बाय गैजेट्स एंड मशीन्स एंड एज ही ग्रू ओल्डर ही बिकेम मोर एंड मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट द लेटेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। सो व्हेन ही टर्न 30 द बॉय डिसाइडेड टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल कॉल्ड टेक्निकल फ्लाइट। ऑन दिस चैनल
He shared informative and useful videos about the latest technology and how it could be used in everyday life. At first, YouTube channel wasn't very popular. He worked hard to create high quality content, but it seemed like no one was interested in his video. Deepak was sad and frustrated, and he began to wonder if he should give up on his dream of becoming a successful YouTuber. But Deepak refused to give up. He knew that he had something special to offer, and he was determined to find a way to reach more people. So he decided to try something a little different. One day, Deepak came up with the idea of creating a series of videos that showed how to make comic stories using ChatGPT and Midjourney. These tools were relatively new at the time, and Deepak believed that they had a potential to revolutionize the way people created and shared stories online. Deepak worked hard to create a series of tutorial videos that were both informative as well as entertaining. He spent countless hours researching and testing the tools, and he put all of his energy into making the best possible videos. And in the end, all of Deepak's hard work paid off. His video on ChatGPT and Midjourney were a huge hit, and his channel began to grow at an incredible rate. People from all over the world were watching his video, and Deepak quickly became one of the most popular YouTubers on the platform. Deepak was overjoyed at the success of his videos, and he was grateful to all the people who had supported him on his journey. He knew that he had found his true calling, and he was determined to keep sharing his love of technology with the world. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो, तो इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, और इसी तरीके की टेक्निकल यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल टेक्निकल फ्राइट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।